नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के विशेष प्रयासों के साथ प्रशासन व सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संजय गांधी अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा किया गया प्रयास आखिरकार रंग लाया और उनके विशेष प्रयासों से यह कार्य संभव हो पाया है, जिसकी वजह से रीवा व आसपास के क्षेत्र को अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी यहीं पर मिलेगी। लोगों को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। इसी के साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए 66 करोड़ का नया भवन भी मिल गया है, जिसका लोकार्पण राज्यपाल के हाथों किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि गैस्ट्रोलॉजी विभाग को भी हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद से विभाग ने निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही पीजी की सीटें भी बढ़ाई गई है, जिसे वर्ष 2024 के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इस बात को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तीसरी मंजिल में बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां 3 बेड डोनर के लिए तैयार किए गए हैं, वहीं 3 बेड रिसीवर के लिए भी व्यवस्थित किए गए हैं। सुपर स्पेशलिटी की तीसरी मंजिल में खोले गए किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में 3 आईसीयू बेड रिसीवर के लिए लगाए गए हैं, वहीं 3 कक्ष डोनर के लिए बनाए गए हैं। 5वीं मंजिल में यूरोलॉजी की एक ओटी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार की गई है। इसके साथ रीवा नया इतिहास रचने की तैयारी में है। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए अत्यंत खुशी की खबर मानी जा रही है। किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए काफी दिनों से आप लोगों की मेहनत चल रही है, कहाँ तक पहुँचे हैं और कब तक ये चालू हो जाएगा? जहाँ तक किडनी ट्रांसप्लांट का प्रश्न है, तो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के जो कंसल्टेंट्स हैं पूरी तरह इस दिशा में काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड एक जो प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग है वो पूरी हो चुकी है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सामान की ज़रूरत है वो भी करीब करीब पूरे हो चुके हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि आने वाले 8-10 दिनों में पूरी हो जाएगी। मेन जो मुख्यतः है जो हमें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरत है, पेशेंट भी हम 3-4 चिन्हित कर चुके हैं, पर उनके डोनर मिलना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें पेशेंट के साथ एक डोनर जिसकी मैचिंग और जो पूरी तरह से उसके लिए उपयुक्त हो इसकी आवश्यकता होती है, और उन्हें चिन्हित करना, उनकी काउंसलिंग करना, इसके लिए भी हमने टीम बना रखी है और वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और अगर ईश्वर ने चाहा तो इस नव वर्ष में अगले 1 या 2 महीने के अंदर हम रीवा में पहला रीनल ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। अभी सर अपने आसपास कहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, कितने फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे लोगों को? अभी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भोपाल, इंदौर और जबलपुर, यहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। और इसके अलावा जो सरकारी सेटअप में देखा जाए तो ये भी भोपाल, इंदौर और जबलपुर, तीनों जगह पे रीनल ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम करते हैं तो रीवा चौथा शहर होगा, चौथा ये सेंटर होगा जहाँ पर ये ट्रांसप्लांट हो पाएगा। और क्योंकि अगर हम देखें तो CKD पेशेंट, जो कि एंड स्टेज किडनी डिजीज़ कहलाती है, और बहुत सारे मरीज रीनल डायलिसिस में हैं, उसके सहारे जिंदा हैं। अगर हम ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और हमें डोनर मिल पाते हैं तो हम बहुत सारे मरीजों का, रीवा क्षेत्र के मरीजों का भला कर पाएंगे और ये रीवा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर अमूमन देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र से लगभग कितने लोग एक साल में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ एक अंदाजा? इसका एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ज़रूरत अगर देखें और कितने लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, बहुत सारे मरीज हैं जिनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है लेकिन डोनर न मिलने के कारण या पैसे का अभाव होने के कारण वो ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे, तो इस तरह के मरीज की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन द्विवेदी सही ढंग से बता पाएंगे। अब कितने पेशेंट जाते हैं इसका एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा नंबर है जो रीवा क्षेत्र के मरीज जो ट्रांसप्लांट बाहर करा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ कर पाते हैं और इस प्रोग्राम को हम सही ढंग से चला पाते हैं, सही हमें सपोर्ट मिलता है, तो ये रीवा के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी उनके लिए फैसिलिटी होगी। और इसके करने के लिए मैं हमारी नेफ्रोलॉजी की टीम, हमारी यूरोलॉजी की टीम सभी इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं, और ये हम निश्चित
इसमें अगले 2-3 महीनों में हम लोग इसको स्टार्ट कर पाएंगे और आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग सफलतापूर्वक आने आने आगे आने वाले वर्षों में भी इसी तरह इसको करते रहें।